तो हमारे नए यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग यूनिट के अंदर बेसिकली अगर आप नाम से देखोगे तो इसके अंदर हमको दो मेन पार्ट्स कवर करने हैं। एक पार्ट कवर करना होता है मनी का और दूसरा पार्ट कवर करना होता है बैंकिंग का, ठीक है ना। तो शुरू जो हम करते हैं वो मनी से करते हैं। तो हमारा जो मेन चैप्टर अभी डिस्कशन का पार्ट है आज, वो है मनी। तो मनी के बारे में पढ़ने के लिए इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल आपने सुना होगा शायद इसके बारे में पहले। बिल्कुल सही, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। यानी कि एक पहले पुराने ज़माने में एक सिस्टम हुआ करता था जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को दिया करते थे, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। उस समय पुराने टाइम पर कुछ भी मनी जैसा होता ही नहीं था। तो विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, यानी कि मनी कुछ भी उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ऐसे सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी। सीसी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो आपने अगर याद करते हैं, हम लिंक करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर वन याद है, उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिशर्स के, वो याद है टॉपिक। उसमें हमने एक पॉइंट कवर करा था कि ब्रिटिशर्स, हाँ, मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम ब्रिटिशर्स की वजह से हमने फॉलो करना शुरू करा। तो पहले हम देश में बार्टर सिस्टम जो है इसको फॉलो करते थे, और हम देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया पहले बार्टर सिस्टम फॉलो करती थी। तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मान लो मुझे पेन चाहिए और आपको चाहिए मान लेते हैं एप्पल, तो आप कोई ऐसा आदमी ढूंढोगे जिसके पास एप्पल हो, और मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढूंगा जिसके पास पेन हो। और फिर जब वो दोनों लोग मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को अपनी इच्छाएं बताएंगे। मैं कहूंगा कि मेरे पास एप्पल है, मुझे पेन चाहिए। आप कहोगे कि मेरे पास पेन है, मुझे एप्पल चाहिए। फिर हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। इस सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। अब आपको क्या लगता है, बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी या नहीं थी? बहुत सारी थी, है ना। तो पहले हम, बिल्कुल, तो हम इतनी सारी अभी जो लिमिटेशन डिस्कस करेंगे ना आज, उससे मैं आपका मनी का बेस बना दूंगा कि आखिरकार मनी के आने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसी। नहीं तो चलता रहता है ऐसे ही, करते रहते, आज क्यों हम मनी के पीछे आ गए। तो पहली जो लिमिटेशन है उसका नाम है, आप सिर्फ अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स के अंदर, उसका नाम है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, इसको आप ब्लॉक कर लो चाहे, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। को इंसिडेंस किसे बोलते हैं? एग्जैक्टली, इत्तफाक, है ना। खाली को इंसिडेंस वर्ड का मतलब होता है इत्तफाक। डबल को इंसिडेंस का मतलब होता है दो लोगों के साथ, हाँ, दो लोगों के साथ इत्तफाक हो जाए देने को। बिल्कुल सही, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को एप्पल मिल जाए, तो मुझे कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एप्पल हो और जो मेरा बदले में पेन ले ले। और आपको पेन चाहिए तो आपको भी कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा कि जो आपका एप्पल ले ले और आपको पेन दे दे। तो मतलब ऐसे अब कहाँ दुनिया में मिलेंगे ऐसे लोग कि जिसको हमारी वाली चीज़ चाहिए और जिसके पास जो चीज़ है वो हमें चाहिए। तो ऐसे कितना ढूंढना, कितना मुश्किल है। तो पहले मतलब ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन, बहुत बड़ी दुविधा थी जिसको हम बोलते थे लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दैट इज द गुड्स पोजेस्ड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स मस्ट बी नीडेड बाय ईच अदर, है ना। तो बहुत मुश्किल होता था, अब कहाँ हम ढूंढते रहेंगे कि किसको पेन चाहिए, तो ये बहुत डिफिकल्टी आती थी। अब जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करोगे तो इस वाली फोटो में आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये पहला आदमी जो है ये चाहता है कि मैं क्या खरीद लूँ, ये क्या है, पिग, सुअर, है ना। और ये बदले में अपना ये कुछ लेकर आया है ना। अब वो दूसरा आदमी उससे मिलेगा जिसके पास पिग हो और जो उसका वो ठेला ले लेगा, तो कितना मुश्किल है ऐसा ढूंढ पाना। तो पहले पुराने टाइम पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स बहुत होती थी। तो ये सबसे बड़ी एक लिमिटेशन होती थी बार्टर की। फिर आते हैं दूसरी समस्या पर, दूसरी लिमिटेशन पे बार्टर की, इसको आप ब्लॉक कर लो। इसका नाम था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये तो बहुत बड़ी एक लिमिटेशन थी,
जिसकी वजह से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मनी जो है उसका एक तरह से इन्वेंशन हुआ, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब आपको चाहिए एप्पल, मुझे चाहिए गाड़ी, ठीक है, तो हमने सोचा चलो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मुझसे एप्पल ले लो और मैं आपसे आपकी गाड़ी ले लेता हूँ, तो क्या आप मान जाओगे? क्यों नहीं मानोगे? हाँ, तो अभी अभी क्या, अभी आपको वैल्यू पता है, अभी आपको पता है कि सर एप्पल जो है वो आ जाएगा 50 रुपए का, गाड़ी आ जाएगी 50 लाख की, 5 लाख की, है ना, अभी आपको वैल्यू पता है। अब जब पहले वैल्यू होती ही नहीं थी, पहले मनी तो था नहीं, तो पहले हम एक गुड की वैल्यू दूसरे गुड की टर्म्स में निकाल लेते थे, तो क्योंकि मनी तो था नहीं, तो तब तो हम सिर्फ इच्छाओं पे चल रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा एप्पल चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, चलो एक्सचेंज कर लो। तो तब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कुछ था ही नहीं, कोई ऐसा मेजरमेंट का नापतोल करने का कोई यार्ड स्टिक नहीं था कि जिसके हिसाब से हम हर गुड को वैल्यू कर सके। तो ये बहुत बड़ी एक लिमिटेशन थी जिसका नाम था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसमें आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को ब्लॉक कर सकते हो। अब लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है, ये प्रॉब्लम कहां से आनी शुरू हुई? ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई जब लोग अपने जानवरों को भी एक्सचेंज करते थे, ऑब्वियसली वो भी एक कमोडिटी तो होते थे। अब नॉर्मल कोई चीज़ हो तो आप चलो किसी को बोल दो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं आज आपको पूरी चीज़ नहीं दूंगा, मैं दो भाग में दूंगा, आज आपको थोड़े से गेहूँ दूंगा 1 किलो, बाकी 1 किलो गेहूँ 1 हफ्ते के बाद दूंगा। या चावल लेने हो किसी से तो हम बोल देंगे चलो मैं आधे चावल आज लूंगा 1 किलो और 1 किलो चावल बाद में लूंगा। अब अगर आपको किसी को घोड़ा देना है तो ऐसा तो मुश्किल होगा कि आपको घोड़े की एक टांग मैं आज दूंगा, एक टांग मैं अगले हफ्ते दूंगा, एक टांग मैं और 2 महीने बाद दूंगा। तो आप यहां पर इंस्टॉलमेंट में तो पे कर नहीं सकते थे, है ना, तो यहां पर कोई क्रेडिट सिस्टम तो होता नहीं था, तो बहुत दिक्कत आती थी बार्टर में। वो तो कहता था भाई आज ही करो एक्सचेंज अगर करना है, और पूरा करो, आधा आधा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। चौथी प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आज आपको वैल्यू का यहां पर मतलब होता है वेल्थ से, तो आप लिख लेना, जो जो बातें मैं लिखूं आप भी लिख सकते हो, वेल्थ से। अब पहले आपको अगर वेल्थ इकट्ठा करनी हो तो आपको अपने पास बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखना पड़ता था। अब सामान इकट्ठा करके रखोगे तो उसमें लिमिटेशंस बहुत हैं, बारिश आ गई सामान खराब, चोरी हो गया सामान आपका, गायब हो गया। लेकिन आज आपको अगर वेल्थ को इकट्ठा करके रखना हो तो बहुत ही सिंपल है, डिजिटलाइज है आज, तो सब कुछ बैंक अकाउंट में रख सकते हो आप, आपको कुछ कैरी करने की भी जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं कि पैसे कोई बैग में लेके जाने। तो पहले बार्टर सिस्टम में अगर आपको वेल्थ को स्टोर करके रखना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी आपको, पेरिशेबल होती थी। एग्जैक्टली, आप गुड्स के फॉर्म में रखते थे अपनी वेल्थ को, और गुड्स जो हैं वो हमेशा किस नेचर के होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, मतलब कि आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो आपकी वेल्थ बेकार हो गई। तो पहले बहुत दिक्कत आती थी वैल्यू को स्टोर करने में। और पांचवी, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, मतलब वैल्यू को ट्रांसफ़र करना भी एक प्रॉब्लम थी। आज आप किसी को भी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो वैल्यू, आप मेरे बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में इजीली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में कोई आदमी पंजाब में बैठा है, कोई आदमी चेन्नई में बैठा है, तो पंजाब वाले को चेन्नई वाले के पास वैल्यू ट्रांसफ़र करनी हो तो घोड़ा पहुंच रहा है, लगा देगा वो तो 1 महीना, तो कैसे होगी वैल्यू ट्रांसफ़र, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो मतलब बार्टर सिस्टम तो एक तरह से सिरदर्दी था, राइट। तो एक बार अपने शुभ मुखवास से बोलो, पहला लिमिटेशन क्या? तो ये समझ आ गया, जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मुझे मेरे पास होना चाहिए, और हम दोनों मुलाकात करें, ये बहुत इत्तेफाक की बात है। दूसरा लिमिटेशन, तो ये समझ आ गया कि भाई आज आपको पता है सर हम पेन के बदले गाड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि आज आपको वैल्यू पता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई वैल्यू का सिस्टम नहीं था। तीसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते थे, आप
फ्यूचर में पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमीडिएटली आपको एक्सचेंज करना है तो करना है। चौथी लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब वेल्थ, पूंजी, है ना। तो आज आप वेल्थ को इकट्ठा कर सकते हो, बैंक में 5 साल तक भी रखा रहेगा तो खराब नहीं होगा, लेकिन पहले आप वेल्थ को किस फॉर्म में रखते थे, गुड्स के फॉर्म में रखते थे, गुड्स खराब भी हो जाते थे। और एक और प्रॉब्लम आती थी, वो भी लिख देता हूँ, आप भी मेंशन कर सकते हो इसकी वजह से, स्टोरेज प्रॉब्लम। अब आप कितने गुड्स रखोगे घर में अपने, कितनी बड़ी समस्या आती थी, कितने गेहूं के बोरे रखोगे, कभी ना कभी आप कहोगे कि बस बहुत हो गया, तो ये सब दिक्कतें होती थी। और पांचवी लिमिटेशन, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड या सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो आज आप वैल्यू को इजीली एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पहले कर पाते थे क्या, हम नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल होते। तो समस्याओं से घिरे रहे हम, समस्याओं से घिरे रहे, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए फाइनली कौन आ गया, मनी आ गया, ठीक है ना। तो चैप्टर जो है वो है हमारा मनी। तो मनी की शुरुआत जो होती है वो बेसिकली समस्याओं के एक निवारण के तौर पर होती है। तो बार्टर सिस्टम में इतनी दिक्कतें थी तो जाके फिर मनी जो है वो आया। अब यहाँ पर आप मेंशन कर लो 1 मार्क्स। तो मनी की डेफिनेशन 1 नंबर में काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में। तो मैंने 2 डेफिनेशन दे रखी हैं। पहली डेफिनेशन है मनी इज वॉट मनी डज, मनी वो है जो मनी करता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन एक इकोनॉमिस्ट ने दी है प्रॉपर, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है ना, क्योंकि ये ऐसी डेफिनेशन है जो पुराने ज़माने की, पुराने ऑथर की है, कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। इसका मतलब होता है हिंदी में वैसे कि मनी क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी को डिफाइन करो तो आप बताओ मनी क्या होता है, अब दो, अब आप वो नोट दिखा दोगे। हाँ, तो मनी जो है ना, मनी का मतलब वो नोट नहीं है कि वो 2000 का नोट, वो 500 का नोट, वो करेंसी है। मनी का मतलब कुछ और होता है वैसे एक्चुअल में। तो मैं बताता हूँ मनी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन आपको मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। देखो मनी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरे हाथ में रिमोट है, ये भी मनी हो सकता है, ये भी मनी है। मान लो मैं दुकान पे इस रिमोट को लेके जाऊं और मैं दुकानदार को कहूं भैया ये मेरे को सारा अपना सामान दे दो, बदले में मैं रिमोट दूंगा, तो उस टाइम पर ये रिमोट भी मनी का ही काम कर रहा है। तो मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात की उसमें खासियत होनी चाहिए, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब कि हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। अब मैं आपको ये रिमोट दूं और मैं कहूं अपनी गाड़ी मुझे दे दो, आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। दुकानदार एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इस ये जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। तो मनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अगर जनरली एक्सेप्टेड हो तो, अगर ये रिमोट कल को हो सकता है दुनिया ऐसी आ जाए कि ये रिमोट पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है कि भाई ये रिमोट जो लाएगा उसको माना जाएगा ये 1 करोड़ रुपए है, तो फिर माना जाएगा। जो समझा नहीं क्या पूछ रहे हो, हाँ और क्या, जैसे आप अभी आप अगर कभी दूध लेने जाओ मदर डेयरी वाले के पास, उसके पास पैसे नहीं होते, छुट्टे वो पर्ची पे लिख के दे देता है 2 या 5, कहता कल ले जाना, तो वो पर्ची जो है वो एक तरह से मनी का ही काम कर रही है, क्योंकि आप वो 2 की पर्ची लिया है, आपको पता है अगले दिन मैं इसी दुकानदार को दूंगा और ये मान जाएगा कि 2 रुपये, तो वो एक्सेप्टेंस हो गई ना दोनों के बीच में। तो मनी कुछ भी हो सकता है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप एक्सचेंज का माध्यम के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर भी कर सके और जो वैल्यू को मेजर भी कर सके। अब रिमोट में ये शक्तियां नहीं है, अब रिमोट फेल हो गया। देखो ये जनरली एक्सेप्टेड हो सकता था, मैं मान लेता हूं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू की शक्ति नहीं है। मैं अब अगर वैल्यू इकट्ठा करनी चाहता हूँ तो मैं कितने रिमोट रखूंगा अपने पास, 100 रख लूंगा, 1000 रख लूंगा, 5000 रख लूंगा, अब पूरा कमरा भर दूंगा, लेकिन कभी ना कभी स्टोरेज जगह प्रॉब्लम देगी और फिर ये रिमोट टूट गया तो, बारिश में भीग गया तो इसके पास स्टोर करने की शक्ति नहीं है। तो ये हाँ, और मेजर भी नहीं कर सकता ये वैल्यू। अब अगर एक गाड़ी हो तो बताओ एक गाड़ी कितने रिमोट के बदले में लोगे, करो वैल्यू, नहीं कर सकते ना वैल्यू, क्या होगा, मैं क्या हम क्यों बताएं।
तो इसमें वैल्यू मेजर करने की क्षमता नहीं है, इसमें वैल्यू स्टोर करने की क्षमता नहीं है, तो इसको हम मनी नहीं कह सकते। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब इसी तरह पेन है, पेन को आप मनी कह सकते हो? नहीं कह सकते। इसको भी स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा, इसको भी हम इससे भी हम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। एक्सचेंज करने में मदद कर देगा बस, वो कर सकते हैं। तो मनी के अंदर सारे फीचर्स होने बहुत ज़रूरी है ना, जो भी आगे देखेंगे। तो समझ आ गई डेफिनेशन। तो आप एग्जाम में नीचे वाली ही एज इट इज़ रट लो, यही लिखना। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, इवोल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि भाई कल तक तो हम बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे थे और एकदम कट अगले दिन से लो भाई नोट आ गए बाजार में, ये लो 2000 के नोट आ गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कल तक तो हम घोड़े के बदले एप्पल एक्सचेंज कर रहे थे और अगले दिन कट हो गया और सीधा ये लो नोट आ गए। मतलब मनी कैसे इवॉल्व हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसकी स्टेजेस बहुत ही बढ़िया स्टेजेस हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के तौर पे, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो मनी के तौर पे चलते थे। भाई आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, मान लो आपने कहा सर हमें घोड़ा खरीदना है, तो मैं कहूँगा लाओ 2 किलो चावल दे दो। आपने कहा कि सर हमको पेन खरीदना है, तो मैं कहूँगा लाओ 1 किलो चावल दे दो। आपने कहा कि सर हमको ये रिमोट खरीदना है, तो मैं कहूँगा लाओ मुझे 3 किलो चावल दे दो। मतलब हर चीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की टर्म्स में मेजर होने लगी। तो शुरू शुरू में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे वो मनी का काम करते थे। लेकिन बताओ इसमें क्या दिक्कत आएगी? ऑब्वियसली वही पेरिशेबल, स्टोर करने में दिक्कत। तो दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, तो इनको स्टोर करने में दिक्कत आई। तो फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बड़े दिक्कत वाली बातें हैं। फिर लोगों ने मेटालिक कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 2, लोहे के सिक्के, कॉपर के सिक्के। लेकिन पहले तो पता है लोहे के इतने भारी सिक्के होते थे, आप 5 सिक्के उठा लो आप नीचे गिर जाओगे। अब इन सिक्कों के साथ भी यही दिक्कत आई। अब आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो आपको खूब सारे सिक्के घर से लेके जाने पड़ेंगे। अब कितने सिक्के लेके जाओगे बताओ भाई, कितने सिक्के ले जाओगे? 5 ले जाओगे, 10 ले जाओगे, इधर जेब में रख लोगे, ऊपर जेब में रख लोगे। 1-1 किलो का एक सिक्का है तो कितने सिक्के ले जाओगे? मान लो 10 सिक्के ले जाओगे बस। तो बहुत दिक्कत हुई। ये भी बड़ा मतलब देखो लिखा है, देखो दीज मेटालिक कॉइन्स वर स्केयर्स एंड बल्कि बहुत भारी होते थे। तो इसका भी जुगाड़ ढूंढा गया कि भाई हल्के सिक्के ढूंढो। तो फिर धीरे धीरे सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स चलने शुरू हुए। ये हल्के भी होते थे और आसानी से अपना चल भी जाते थे और ये भारी मात्रा में पाए भी जाते थे। तो ये काफ़ी साल चले। फिर 1930 के बाद लोगों ने कहा कि और कुछ आसान तरीका बताओ भाई, सिक्के विक्के भी भारी लग रहे हैं, मतलब एक छोटा सा सिक्का भी भारी लगने लगा 20 ग्राम का, और इससे हल्का क्या होगा? तो फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि भाई एक कागज़ जैसी चीज़ है, कागज़ बड़ा हल्का लग रहा है और इस पर 500 लिख देते हैं, तो एकदम से 500 सिक्कों की बजाय ये 500 का काम करेगा। तो फिर पेपर मनी जो है वो चलना शुरू हो गया। तो ये हल्का भी था और इसकी प्रोडक्शन आप कितनी भी कर सकते हो, पेड़ काटो और कागज़ पे कागज़, पेड़ काटो कागज़ पे कागज़, तो स्केयर्स भी नहीं था। तो अब देखो कितना कितना मज़ेदार हो गया। अच्छा, अब लोगों को कागज़ भी भारी लगता है कि कागज़ कौन रखता रहेगा जेब में, है ना? तो कागज़ वागज़ भी नहीं रखने अपने को। अब हम कहाँ पे आ गए धीरे धीरे, फिर मतलब प्लास्टिक में नहीं। हाँ, अपना एक कार्ड रख लिया, अब उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो कोई अब आपको कागज़ के ज़्यादा टुकड़े रखने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना, प्लास्टिक में नहीं। और अब तो उसकी भी, अब प्लास्टिक कार्ड भी लोग कहते हैं ये भी नहीं रखेंगे हम, ऐप बस, अब तो पेटीएम करेंगे या डिजिटल हो गया बिल्कुल, है ना? तो मतलब मनी जो है वो इवॉल्व हो रहा है ना। तो ये बेसिकली मनी का इवोल्यूशन है। तो मनी ने अपने रूप को बदला है। तो ये ध्यान रखना है, देखो आम जनता से पूछो मनी क्या है, वो कहेगा 500 का नोट, उसके लिए ये मनी है। लेकिन मनी का मतलब वो नोट नहीं है, मनी कुछ भी हो सकता है। और पुरानी सदियों से चला आ रहा है, देखो पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, फिर मेटालिक कॉइन्स हुए, फिर गोल्ड सिल्वर कॉइन्स हुए, फिर पेपर आ गया, फिर प्लास्टिक आ गया, और अब तो और ई मनी भी आ गया है ना। अब तो आपको ये भी रखने की जरूरत नहीं है। तो मनी ने अपने आप को इवॉल्व करा बेसिकली, ठीक है ना। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मनी। तो इसमें आप लिखना 4 मार्क्स।
इम्पॉर्टेंट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मनी चैप्टर से अगर कुछ पूछेगा तो वो घुमा फिरा के कैसे ना कैसे फंक्शंस ऑफ मनी ही पूछने वाला है, और तो कुछ वो एज सच बड़ा नंबर में पूछेगा नहीं। तो मनी के कितने फंक्शंस होते हैं? दो। मनी के दो फंक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी का मतलब हो गया कि बिल्कुल मूल फंक्शंस, मुद्दे के फंक्शंस, ये तो होने ही होने चाहिए मनी के। और दूसरे फंक्शंस को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, कि मतलब ठीक है ये भी हैं, है ना, मतलब ये भी हैं सेकेंडरी। तो मनी के दो मेन फंक्शंस होते हैं या दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी कौन सी अपने मुंह से बोलो, प्राइमरी, और दूसरी सेकेंडरी। अब प्राइमरी फंक्शन के अपने अंदर हम दो बातें पढ़ते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस के अपने अंदर भी हम दो बातें पढ़ते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा बस याद रखने के लिए कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में एस को बड़ा कर रखा है इसलिए क्योंकि इसके जो दो फंक्शंस हैं वो दोनों एस से स्टार्ट होंगे, और प्राइमरी में एम को बड़ा कर रखा है किस लिए, क्योंकि इसके दोनों फंक्शंस जो हैं वो एम से स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा सा आपको इससे याद होने में आसानी रहती है, कई बार कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा प्राइमरी था कौन सा सेकेंडरी था। तो प्राइमरी में दोनों एम से स्टार्ट होंगे, सेकेंडरी में दोनों एस से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हम प्राइमरी फंक्शन पर फोकस करेंगे अभी। चलो, तो पहला फंक्शन जो है उसका नाम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पहले चर्चा करेंगे, फिर मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें लिखवा भी दूंगा। तो इस पे आप मेंशन कर लो 3 मार्क्स। अच्छा, तो अब पहले ये बताओ मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आपको क्या समझ आ रहा है, पहले हम डिस्कस करेंगे फिर लिखेंगे। मीडियम का मतलब हो गया हिंदी में माध्यम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, लेन देन, लेना देना करना, ठीक है। तो आपको चाहिए मान लो एप्पल, ठीक है, और मुझे चाहिए कार। तो पहले क्या दिक्कत थी, पहले ये दिक्कत थी कि मैं एक ऐसा आदमी ढूंढूं जिसके पास कार हो और वो एप्पल ले ले मेरा। आपको ये आदमी ढूंढना था कि जिसके पास एप्पल हो और जो आपकी गाड़ी ले ले। तो कितना मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की दिक्कत होती थी। तो अब अगर हम ये चाहें कि भाई ऐसा आदमी ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं सीधा एक दुकान पर जाऊँ और उसको कहूँ कि भैया एप्पल दे दो, मुझे एप्पल मिल जाए। आप सीधा एक जगह जाओ, आप गाड़ी लेना चाहते हो या मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं सीधा गाड़ी ले सकूँ। तो ऐसा कोई ज़रिया मुझे मिल जाए जिससे मैं सीधी जो चीज़ लेना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए दुकान पे जाके। तो आप दुकान पे जाके एप्पल लेते हो, तो बदले में उसको क्या देते हो, पैसे देते हो। या मैं गाड़ी लेता हूँ तो मैं दुकानदार को बदले में क्या देता हूँ, मनी देता हूँ। तो मनी ने इस एक्सचेंज को बहुत सिंपल बना दिया, बहुत आसान बना दिया, और मनी एक मीडियम के तौर पर हमारे एक्सचेंज में अब यूज़ होने लगा। यानी कि अब मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं ढूंढना जिसके पास एप्पल हो, और आपको कोई ऐसा आदमी नहीं ढूंढना जिसके पास गाड़ी हो। अब आप भी सीधा मनी के माध्यम से और मैं भी सीधा मनी के माध्यम से अपनी मनचाही चीज़ें ले सकते हैं। तो मनी जो होता है ना वो एक्ट करता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक्सचेंज वर्ड में जो मैं आपको अभी मुद्दे की बात लिखवाऊंगा वो है सेल परचेज। बार्टर में क्या सेल परचेज नाम की चीज एग्जिस्ट करती थी? नहीं, क्योंकि बार्टर का तो मतलब होता था गुड्स दो गुड्स लो, एक्सचेंज है वो तो खाली। लेकिन मनी के आने की वजह से सेल वर्ड परचेज वर्ड एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि मनी एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके जरिए से आप खरीद भी सकते हो और आप बेच भी सकते हो। खरीदना होगा तो मनी दोगे, बेचोगे तो मनी मिलेगा। तो इसका मतलब खरीदना हो चाहे बेचना हो, दोनों एक्टिविटीयों के लिए कौन बन गया आपका मीडियम, मनी बन गया। तो मनी का जो फंक्शन है पहला इंपॉर्टेंट वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, तो इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ।
तो ये अकेला फंक्शन एग्जाम में आपसे 3 नंबर का पूछता है, ध्यान रखना। तो आप इसी के आगे मेरे साथ साथ आप लिख लो, छोटी सी कहानी है इसकी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। तो इसमें लिखना डैश डाल के, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, फुल स्टॉप। एनी कमोडिटी कैन बी परचेज्ड, एनी कमोडिटी कैन बी परचेज्ड और सोल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ मनी, थ्रू द मीडियम ऑफ मनी, फुल स्टॉप। फिर इसी के नीचे वाली लाइन में लिखना, मनी बिकम्स, मनी बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल परचेजिंग पावर, ऑफ जनरल परचेजिंग पावर, फुल स्टॉप। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमा, मनी रिमूव्स, द प्रॉब्लम ऑफ, मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है ना, बस तो यही इसमें मेन कहानी है। अब देखो इसमें हॉट्स क्वेश्चन आते हैं रिवर्स हॉट तरीके से, ठीक है। रिवर्स तरीके से मतलब कि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो ज़माने तो गए, या क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा डिफाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि मनी के कौन से फंक्शन की वजह से परचेज या सेल करना संभव हो पाया, तो क्या आंसर होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मनी के किस फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं कि ये एक परचेजिंग पावर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई परचेजिंग पावर, आप किसी भी व्यक्ति की क्षमता जो होती है सामान खरीदने की, वो किस चीज़ में मेजर करते हो एक तरह से, या किसके माध्यम से चलती है, वो मनी के माध्यम से चलती है ना। और तीसरा कि बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो मनी के कौन से फंक्शन ने उस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को रिमूव करा, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपसे 3 हॉट्स क्वेश्चन पूछेगा वो, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं या 3 कीवर्ड्स हैं, ये आपके 3 मेन ब्रेन टीजर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें उल्टा पूछता है, ठीक है। तो ये 3 याद रखने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल और परचेज हम कर पाए किस फंक्शन की वजह से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। परचेजिंग पावर जो है वो कौन सा फंक्शन डिनोट कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की दिक्कत को किसने दूर करा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिंपल। चलो इसके बाद दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहली चीज तो इसको घर में प्यार से यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, तो बच्चा ये वाला भूल जाता है, तो पहले इस पे सितारा लगा देता हूँ। मेजर ऑफ वैल्यू तो सबको याद रहता है एग्जाम तक, वो ये भूल जाते हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू को ही यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन यूनिट ऑफ अकाउंट, बच्चा छोड़ के आता है कहता है सर आउट ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन आया था इस बार। तो बस तो ये याद रखना है, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट एक ही बात है। अब इसका क्या मतलब है, भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बच्चों मेरे पास एक एप्पल है, आप एप्पल ले लो और अपनी गाड़ी मुझे दे दो, तो आपने क्यों मना करा,
भाई आप मुझसे, हाँ क्योंकि आप आज के ज़माने के बच्चे हो, आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स की क्या पता है, वैल्यू पता है, वेरी गुड। और वैल्यू किसके टर्म्स में पता है, वेरी गुड, मनी के टर्म्स में पता है। यानी कि आप आज हर चीज़ को, ये तो इंसान की एक आदत है, आज हर चीज़ को जब आप देखते हो तो कौन सा चश्मा लगा के देखते हो, पैसों का चश्मा, कि अच्छा पेन है 10 रुपए वाला, इसका जूते 100 रुपए वाले, अच्छा शर्ट है 500 रुपए वाली, आप देखते हो ना। तो इसका मतलब हर चीज़ को आप किस चीज़ में मेजर करते हो, उसकी वैल्यू को मनी की टर्म्स में मेजर करते हो। तो आपने जब कहा कि सर एप्पल, तो आपके दिमाग में चला उसकी मनी वैल्यू, गाड़ी तो आपके दिमाग में चली उसकी मनी वैल्यू, तो आपने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे एक्सचेंज, क्योंकि आज आपको हर चीज़ की क्या पता है, वैल्यू पता है। और वैल्यू को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं, मनी में। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मेजर करना क्या होता है, अगर सिंपल मेजर वर्ड का मतलब बोलें तो नापना है ना। तो जैसे अगर आपसे कोई हाइट पूछता है, हाँ, तो उसका एक मेजरमेंट यार्ड स्टिक है ना, कि हाइट अगर कोई पूछ रहा है तो आप सेंटीमीटर्स में बता रहे होंगे। आपसे कोई आपका वेट पूछेगा तो आप केजीज में बताओगे, है ना। डिस्टेंस पूछता है कोई हमसे तो हम किलोमीटर्स में बताते हैं। तो हर चीज़ को मेजर करने का एक यार्ड स्टिक होता है, एक यूनिट होता है, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट बोलते हैं ना मैथ्स में, कि भाई 1000 क्या केजी, या 1000 क्या किलोमीटर, या 1000 क्या सेंटीमीटर। तो अगर वैल्यू को मेजर करना हो तो वैल्यू को मेजर करने का यूनिट क्या है, मनी। तो इसीलिए इस फंक्शन का नाम पड़ गया मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी जो है वो हर चीज की, दुनिया की हर चीज की वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं, मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कि ये यूनिट है। जैसे हाइट के लिए यूनिट हो गया सेंटीमीटर, डिस्टेंस के लिए यूनिट हो गया किलोमीटर, तो वैल्यू के लिए यूनिट क्या हो गया, मनी। तो ये इसका मतलब होता है ना, मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, तो आप इसी के आगे लिखना, मेजर ऑफ वैल्यू में मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, या ब्रैकेट में लिखना और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ बुक एज ₹500, कॉमा प्राइस ऑफ पेन एज ₹20, एट्सेट्रा। फुल स्टॉप। सिंस ऑल द कमोडिटीज आर मेजर्ड इन मनी टर्म्स, कॉमा इट बिकम्स ईजियर, इट बिकम्स ईजियर फॉर एनी वन टू कंपेयर द रिलेटिव प्राइसेज ऑफ टू गुड्स, टू कंपेयर द रिलेटिव प्राइसेज ऑफ टू कमोडिटीज। बस है ना। तो इसमें
हमारी वाली कहानी ही कीवर्ड की तरह छुपी हुई है। जब मैंने आपको कहा कि आप एप्पल ले लो और मुझे अपनी गाड़ी दे दो, तो आपने क्या करा, अपने मन में कंपेयर करा। तो इसमें जो की वर्ड है वो है कंपैरिजन करना या टू कंपेयर। तो आज हर चीज़ हम मनी की टर्म्स में वैल्यू करते हैं, आज हर चीज़ हम मनी की टर्म में मेजर करते हैं। तो आप इसीलिए बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपने करा कि एप्पल 50 रुपये का, गाड़ी 5 लाख रुपये की, तो आपने मना कर दिया। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी इसमें दूसरा कीवर्ड तो यही है बस, वो आप चाहे यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि सारे गुड्स और सर्विसेज जो हैं ये एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसको बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। तो आज हम सारे गुड्स और सर्विसेज को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। तो क्लियर हो गया? चलो, तो कैसा लगा आपको डिस्कशन? सही है, बढ़िया है मनी के बारे में, चलो है ना। तो आज तो खैर हमको इतना ही करना है, एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं बस। तो अब देखो, जैसे अब आपको वैसे रिकॉल करना हो तो देखो कितनी सिंपल कहानी है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था? गुड्स के बदले हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसमें 5 दिक्कतें जो आती थी उनको थोड़ा रिकॉल करो। पहली लिमिटेशन क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वो समझ गए। मुझे जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, आपको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, और हम दोनों की मुलाकात होनी चाहिए। दूसरी लिमिटेशन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि आपने अभी कहा कि एप्पल के बदले गाड़ी नहीं लेंगे क्योंकि आपको वैल्यू पता है, लेकिन बार्टर में वैल्यू नहीं पता थी। तीसरी लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब तब आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते थे, फ्यूचर में पेमेंट करना मुश्किल होता था। चौथी लिमिटेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि वेल्थ को स्टोर करना मुश्किल होता था, वो खराब हो जाती थी, स्टोर करने में दिक्कत होती थी। और पांचवी लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स करने में भी दिक्कत होती थी। फिर जब बार्टर में इतनी समस्याएं हुई तो कौन आ गया? मनी आ गया। मनी की डेफिनेशन छोटी वाली नकली वाली, मनी इज वॉट मनी डज, लेकिन वो आपको वैसे नहीं लिखनी। फिर असली वाली क्या लिखनी है आपको, कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनी थिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वेल्थ। फिर मेरी आंखों में देख के बताओ, सबसे पहले मनी का एवोल्यूशन में क्या आया था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फिर वो उसमें स्टोरेज की दिक्कत हुई, फिर क्या आए? मेटालिक कॉइन्स, वो बहुत भारी थे, एक एक किलो का एक था। फिर कौन आए? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, लेकिन गोल्ड और सिल्वर भी फिर स्केयर्स हो गए, कितना गोल्ड सिल्वर लेके जाएंगे हम, हमें लगा ये भी भारी है। फिर 1930s से क्या आ गया? पेपर मनी, कागज़ आ गए। फिर कागज़ भी हमको भारी लगने लगे, तो अभी क्या आ गए? प्लास्टिक मनी, वो भी अब भारी लगने लगे, तो क्या आ गया? डिजिटल मनी। फिर बताओ मनी के कितने फंक्शंस हैं, मतलब दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का नाम, प्राइमरी में पहला वाला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा वाला मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का घर का नाम बताओ, यूनिट ऑफ अकाउंट। फिर बिना देखे बताओ कि सेल और परचेज करना किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से। कंपेयर करना किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? यूनिट ऑफ अकाउंट की वजह से। परचेजिंग पावर किससे डिनोट होती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सभी गुड्स को मनी की टर्म में वैल्यू करते हैं, कौन सा फंक्शन? मेजर ऑफ वैल्यू। सेल परचेज कर पा रहे हैं किसकी वजह से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन की वजह से, हाँ मीडियम ऑफ। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस में कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि किस फंक्शन से हम क्या कर पा रहे हैं। क्लियर? चलो डन, छुट्टी आज की, बाकी करेंगे नेक्स्ट कक्षा में।